हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप वर्चुअली घूमेंगे मनाली के फेमस टेंपल जिसका नाम है हिडिंबा देवी टेंपल। ये टेंपल मनाली का वो खास टेंपल है जहां मनाली आने वाले लोग अक्सर घूमने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिडिंबा देवी टेंपल के कुछ खूबसूरत क्लिप्स। हिडिंबा देवी टेंपल मनाली माल रोड से करीब 2 किलोमीटर दूर है। जब आप हिडिंबा देवी टेंपल जाएंगे तो आपको बड़े बड़े सिडार के पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सिडार के जंगलों के बीच ही बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये टेंपल इतना खास क्यों है और यहाँ लोग घूमने क्यों जाते हैं। हिडिंबा देवी को मनाली में माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के टाइम जब पूरे भारतवर्ष में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, तो वहीं मनाली के लोग नवरात्रि में हिडिंबा देवी की पूजा माँ दुर्गा के रूप में करते हैं। मनाली के लोग हिडिंबा देवी को दुर्गा माँ का ही एक रूप मानते हैं। तो चलिए अब इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिडिंबा देवी टेंपल को राजा बहादुर सिंह ने सन 1553 में बनवाया था। यह मंदिर उस गुफा के पास बना हुआ है जहाँ हिडिंबा देवी जी ने तपस्या की थी। प्राचीन कथा के अनुसार हिडिंबा देवी का जन्म राक्षस कुल में किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। वह अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी, जो कि बहुत बलशाली था और पूरी एरिया में उसकी दहशत थी। पांडवों के अज्ञातवास के टाइम जब भीम और हिडिंबा का मिलन हुआ, तो ये उसके भाई हिडिंब को जरा भी पसंद नहीं आया और उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद भीम ने हिडिंब को मार गिराया और माता कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिडिंबा की शादी करा दी गई। एक साल बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम घटोत्कच रखा जाता है, जिसका महाभारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो अपना बलिदान देता है कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपने ऊपर लेकर, और वो अर्जुन के प्राण को बचाता है। इसी बलिदान की वजह से श्री कृष्ण ने घटोत्कच और उनकी माँ हिडिंबा को ये वरदान दिया था कि उनके बलिदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इसके बाद हिडिंबा देवी ने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया था और कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी, और आज माता हिडिंबा को माँ काली और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और मई महीने में हिडिंबा देवी टेम्पल के जन्मदिन के मौके पर वहाँ मेला भी लगाया जाता है। तो ये हिस्ट्री थी हिडिंबा देवी टेम्पल की। इस टेम्पल के आसपास के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, जिससे आपका जो ट्रिप है वो यादगार बन जाएगा। अगर आप मनाली जाएँ तो यहाँ घूमने ज़रूर जाएँ। अगर आप पहले मनाली घूम चुके हैं और यहाँ जा चुके हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि यहाँ की आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो जुड़े रहिए हमारे छोटे से खूबसूरत चैनल से, जहाँ आपको अलग अलग खूबसूरत मिनी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।